फिलहाल मैं आपको सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें बता देती हूँ, क्योंकि एक तरफ हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि स्वाति मालीवाल 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड करवा के वहां से निकल चुकी है, जो कि बता रही कि जनी सहमी थी। लेकिन अब आपको दूसरी तस्वीर दिखा देते हैं, यहाँ पर और दो पुलिसकर्मी पहुंचे हुए हैं जो यहाँ पर आते हैं, फिलहाल सिक्योरिटी से पूछताछ करते हैं, लेकिन अभी भी वो यहाँ पर मौजूद है क्योंकि उनकी बाइक भी यहाँ पर खड़ी हुई है। जाहिर तौर पर कुछ भी कहने से अभी बच रहे हैं दोनों ही पुलिसकर्मी और इंतजार कर रहे हैं, काफी वक्त हो चुका है इनको इंतजार करते हुए। और इससे पहले भी जो पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जुगाड़ी यहाँ पर पहुंची हुई थी, महिला पुलिसकर्मी भी उसमें मौजूद थी, तो उन्हें अंदर यहाँ से नहीं जाने दिया गया था और बार बार यही कहकर लौटाया जा रहा है कि दूसरे गेट से जाना है। तो ऐसे में फिलहाल इस तरह की स्थिति से समझा जा सकता है कि पुलिसकर्मियों को तो अंदर यहाँ से इस गेट से तो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन फिलहाल इसके अलावा कोई और गेट है वहां अगर जाने दिया जा रहा हो तो यहां पर दो पुलिसकर्मी फिलहाल यहां पर एक बार फिर से पहुंचे हैं कि शायद स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल जो फिलहाल 164 के तहत बयान दर्ज कराने के बाद 30,000 कोर्ट से निकलती हैं और काफ़ी उनके चेहरे को, उनकी जेस्चर को देखकर समझ में आ पा रहा है कि वो काफ़ी डरी सहमी हुई थी, काफ़ी उदास हैं। और जाहिर तौर पर उन्होंने एफआईआर में केजरीवाल का नाम भी लिया है कि केजरीवाल उस समय मौजूद थे जब वो अंदर जाती हैं, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी और विभव कुमार अचानक से आता है, उनके साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। और इस तरह से स्वाति मालीवाल का कहना है कि उनके साथ एक के बाद एक लगातार मारपीट करता गया बिना किसी बात के। अब देखना होगा कि विभव कुमार आखिर सामने कब आएगा। हालांकि स्वाति मालीवाल जो अभी तक मीडिया के सामने नहीं आई है, जो खुलकर हमेशा बोला करती थी, मीडिया से उन्होंने अभी तक बातचीत नहीं की है, लेकिन अब वो खुलकर अपनी लड़ाई जरूर लड़ती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ विभव कुमार कहा है ये अभी नहीं सामने आ रहा है, ना ही इंडी गठबंधन के किसी। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, बिल्कुल हम जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन भी हमारे साथ जुड़े, वैभव जुड़े हुए हैं। जतिन आपके पास आएंगे, समझना चाहेंगे 164 का बयान हो गया, अब आगे का प्रोसेस क्या है, क्योंकि गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। क्या अरविंद केजरीवाल को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर ये कि सीएम हाउस का वीडियो सामने आ गया है। रिपब्लिक वीडियो की पुष्टि हालांकि नहीं करता है, लेकिन सीएम हाउस का वीडियो सामने आ गया है। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम हाउस का वीडियो सामने आ गया है। आपको ये भी बता दें कि दरअसल सीएम हाउस में पूरी जो घटना थी वो घटी थी, और ये भी कहा जा रहा था कि जो एनसीडब्ल्यू की टीम है वो भी सीएम हाउस पहुंचेगी, यहां तक कि पुलिस की तरफ से भी ये जानकारी मिल रही थी कि हो सकता है कि सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अब जो सीसीटीवी फुटेज है सीएम हाउस का वो सामने आ गया है, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि रिपब्लिक भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, आर भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि बताया जा रहा है कि सीएम हाउस का, हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते। ये तस्वीरें आप देखिए, ये सीएम आवास की तस्वीरें उस दिन की तस्वीरें हैं, लेकिन रिपब्लिक भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। और ये अब सीसीटीवी फुटेज जो वीडियो है ये अब पुलिस भी जांचेगी कि आखिर क्या हुआ था उस दिन। ड्राइंग रूम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर। आप देखिए ये तस्वीरें कैसे उस दिन स्वाति मालीवाल पर अत्याचार हुआ था, जो मारपीट हुई थी, हालांकि वो तस्वीरें इस वीडियो में अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन ये सुरक्षाकर्मी है जो सीएम आवास के सुरक्षाकर्मी है जो सिक्योरिटी में है वहां लोग, उनकी तस्वीरें वो इस कैमरे में सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन पूरा वीडियो अभी भी नहीं आया। लेकिन हाँ ये वीडियो अब सामने आया है, 13 तारीख की तस्वीरें हैं, ये वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में बहुत कुछ तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। सीएम आवास के अंदर की तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा पा रहे हैं, हालांकि पूरा सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस भी खंगालेगी। साफ तौर पर जो बयान सामने आया है उसके हिसाब से पुलिस सीसीटीवी खंगालेगी, हालांकि इसके लेटर भी पुलिस से लिखा है, जो मेंटेनेंस जो देखती है जो कंपनी वो अब सीसीटीवी फुटेज मांग रही है, पुलिस मांग रही है उन लोगों से। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए, जतिन ऐसा लग रहा है कि ये कोई मोबाइल वीडियो है, हालांकि रिपब्लिक भारत इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन लग रहा है कि उसी दौरान का है, सुरक्षाकर्मी समझा रहे हैं। जतिन